धार मार टक्कर मार कुछ इस तरह से कल प्रोमो रिलीज हुआ है गॉडफादर का, जहाँ पे सलमान खान बहुत ही डैशिंग यंग हैंडसम लग रहे हैं और साथ ही साथ चिरंजीवी गारू भी उनको अच्छा खासा साथ दे रहे हैं। हमारे साथ फिलहाल एक और बहुत बड़े शख्सियत है और किसी सलमान खान से कम नहीं है ये, और सलमान खान को बहुत मानते हैं। कुछ नहीं है, पहली बात है कि सलमान खान जो है सब लोग यही बोलते हैं कि आप जो है सलमान खान को क्यों आप सलमान खान का ये करते हो करते हो, तो भाई जैसा बोलते हैं ना सब लोग मंदिर में जाके पूछते हैं वैसा भाई हमारे लिए सलमान खान है। सही बात है, सलमान खान बहुत बड़े स्टार है, बड़े स्टार है। और रहेगी दूसरी बात कि ये है कि ये ऐसा स्टार ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। भले देखो गलतियां किससे नहीं होती, एक बच्चे से भी होती है और बड़े से भी होती है। अगर बड़े से होती है तो अगर वो गलती मान ले तो बहुत बड़ी, उन्होंने हर एक चीज गलती एक्सेप्ट किया और जो भी हो उन्होंने माना, तो उन्हें जो है हमेशा जो है गलत नहीं समझना चाहिए। आज के बाद जो है जब से वो गलती मानना चालू किए तब से कुछ है वो गलत नहीं कर रहे हैं। अच्छा मुझे अशोक से ये बताइए कि थार मार जो गाना है, ये गाना कल आने वाला है, उसका प्रोमो तो कल हमने देख ही लिया था। हाँ, आपको क्या लगता है ये जो गाना कल आने वाला है कितना एक्साइटिंग गाना, कितना बढ़िया गाना लग रहा है? देखो बहुत अच्छा लग रहा है, म्यूजिक थार मार मस्त है, मजा है। और जो इसमें जो लेडीज गा रही है उसका भी तो कल ये एंजॉयमेंट हम लोग करेंगे, मजा करेंगे, क्योंकि कल जो है पूरा गाना आएगा। लेकिन सबसे पहली बात ये मैं बोलूंगा कि दो मेगा स्टार और स्टाइल आप देखेंगे ना सेम, दोनों चल के आने का स्टाइल जो है सेम स्टाइल। और आपने इसके पहले एक देखा था ना कि भाई जो भी कमी हो छोटे भाई को याद करना, वो डायलॉग भूल गए आपको सब। तो ये दोस्तों ये भी मूवी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और गाना तो कल इंटरेस्टिंग होने वाला, 4:05 में आने वाला। मुझे लगता है सबसे पहले रिव्यू आप ही जो भी हो, लेकिन एक बात है मैं मानूंगा कि ऑटो वाले अंकल चैनल को जो है मुझे जितने भी प्यार करते हैं बहुत भले थोड़ा बहुत आगे पीछे डालू, लेकिन देखते रिक्शा चलाता हूँ ऑटो चलाता हूँ, टाइम मिलेगा तो आपको मैं डालता देखती नहीं पब्लिक, लेकिन डालता ही सब्सक्राइब करती आपको अच्छा, आप देखोगे ना आपको बहुत सब्सक्राइब करते, बहुत प्यार करते। दोस्तों आप लोग को मालूम है कि सूर्या भाई हैं, इन्होंने जब जब मेरे को मतलब जब भी मैं नर्वस हुआ इन्होंने मुझे संभाला। और आपको मालूम है कि 2019 में जो कि इन्होंने ही सपोर्ट किया और आज जो है मतलब है आपके यहाँ पर खड़ा हूँ, इस मूवी के बदौलत खड़ा हूँ। और मुझे बहुत प्यार मिला, हमेशा प्यार मिलता रहा और हमेशा जो है हम लोग भी मिलकर आपको प्यार देते हैं। मुझे लगता है कि आप बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड हो गाने के लिए, बहुत इमोशनल भी हो। बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ और एक्साइटेड हूँ कि चलो अच्छी बात है, टाइमिंग अच्छा दिए 4:00 का। और क्या लगता है लुक बहुत आपको, सलमान खान तो हैंडसम है, लुक अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है दोनों को देख के, बहुत अच्छा लग रहा है। अब यंग लग रहे दोनों, देखो बोलते हैं ना कम इज बैक टाइगर, टाइगर इज कमिंग जो भी हो। और रह गई दूसरी बात, अब उनका जो है जो भी कलेक्शन है फिर जो भी है ये टाइगर उसी का नाम है जो कलेक्शन और पब्लिक के अंदर दिल पर राज कर। सही बात है। अच्छा सर मेरे को ये बताइए, जाते जाते 5 अक्टूबर 2022 को पिक्चर आ रही है, तो क्या लगता है फर्स्ट शो? वो तो है ही। अरे भाई दो दो मेगा स्टार का है तो देखेंगे हम जरूर, इंजॉयमेंट करेंगे और आपको रिव्यू भी डालेंगे। बस मेरे से यही गुंजाइश है कि हिंदी वर्जन में पूरा मुझे लगता है हिंदी वर्जन रिलीज है तो ऐसा ना हो कि हिंदी बाद में, और तो ये मैं यही चाहूंगा इसे भी जो है टाइम पर ही हिंदी में रिलीज की जाए, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये मूवी अच्छी खासी कलेक्शन करे। चलिए थैंक यू अशोक से बात करने के लिए, बॉलीवुड के से थैंक यू दोस्तों।